मतलब पत्थर खाना। दो घंटे से चल के थक चुके हैं, अभी शहरा के आधे रास्ते पहुंचा, शहरा गांव के आधे रास्ते पहुंच गए। पहाड़ की लाइव वाक्यू बहुत टफ है, देखने में पहाड़ सुंदर लगते हैं, रमणीय स्थल है और प्राकृतिक सौंदर्य है, लेकिन हकीकत पहाड़ की लाइव बहुत टफ है। अभी हमको कंटिन्यू लगातार दो घंटे का सफ़र करना है, अभी तो ढलान है, अब कल वापसी में मुश्किल है। वो जो पहाड़, उस पहाड़ को क्रॉस करके रामगंगा नदी के किनारे जाना हमने, शहरा गांव। तो हमने अभी जाना शहरा गांव, रामगंगा के किनारे पर शहरा गांव। तो और उस जो वो पहाड़, उस पहाड़ के पीछे वो जो सबसे हाइट का पहाड़ दिखाई दे रहा है, वो मांडला का पहाड़ है। तो अब बताइए, भालू हाँ यार, अकेले मजा ना। हम बोलते हैं यहाँ आता है भालू, और भालू ने सब चीज बिगाड़ रखा है, कोई भी रास्ते में जाने का नाम नहीं ले रहा है, सब डर रहे हैं भालू से। कठिन रास्ता, बहुत टफ रास्ता है यार। अभी तो हम जाएंगे, कल कैसे आएंगे ऑफिस? तो कल की, मेरे को कल की चिंता हो रही है। मेरे हिसाब से मांडला ऐसे बहुत दूर है, तो यहाँ तो बहुत रास्ता तो बहुत लंबा है यार, बहुत लंबा है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे शायद आपको नदी की भी बहुत तेजी से आवाज आ रही होगी जो वहाँ पे सामने, रामगंगा नदी। हाँ, थक गए यार बहुत ज्यादा, बहुत दूर है। मैं बहुत देर से यहाँ पे कैमरा से लटका गया था, अभी मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पे कैमरा लटका रहा है। अभी हमें यहाँ पे एक हिरन दिख गया था, हम उसको कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाए, वो बहुत बुरा लगा। पर भाई हिरन असली है ना, सच में। दो घंटे से चल के थक चुके हैं, अभी शहरा के आधे रास्ते पहुंचा, शहरा गांव के आधे रास्ते पहुंच गए, और पसीने से तर हो गए नहीं, और यहाँ गर्मी बहुत है, घाटी बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, मैं पूरा पसीने से तर बतर पूरी शर्ट गीली हो चुकी है। हाँ, बहुत कितने गर्मी है महंगे की यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर आप चल के जाओगे तो, और यहाँ पे अगर आप चल के जाओगे ना, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और मुझे आपको थकान लग चुकी है, अभी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, 3 घंटे रास्ता।
चंदन पहुंच गए रामगंगा नदी किनारे सेरा गांव। 3 घंटे लगातार कंटिन्यू चलते चलते गोबर हमदान हमको सर।